सीमा के लिए तत्काल बनवाते हैं सीमा का, ये तत्काल बन जाए तुरंत, है ना। और इनके देव सिंह जी इस गांव में देवदरा में आवास योजना का मकान नहीं आएगा, अच्छा आप एक बार कितने बच्ची है ऐसी गरीब बहनें कितनी बनी है बची है उनकी भी सूची बनवा के रखे, ठीक ठीक है। अब छिंदवाड़ा चलते हैं, धन्यवाद देव सिंह जी आपको भी, छिंदवाड़ा चलते हैं। छिंदवाड़ा सावित्री भाई, नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते, कैसे हो सावित्री जी? बहुत बढ़िया है भाई साहब। कौन से गांव से हैं आप? कारा गांव से। अच्छा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भाई साहब। कहाँ मिल जाती मजदूरी? गांव में निंदाई खुदाई जो भी मिले। अच्छा मजदूरी में एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? 200 रुपये मिलती है भाई साहब। 200 रुपया मिलती है तो रोज मिल जाती है या कभी कभी मिलती है? अब कभी ऐसा मजदूरी कभी मिलती कभी नहीं मिलती है। ये मनरेगा वाली जो मजदूरी है सरकारी काम की वो मिल पाती कि नहीं? हाँ मिल पाती है। अच्छा तुम्हें वो लेकिन 100 दिन मिलती होगी है ना? जी। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? भाई साहब अभी पढ़ रहे हैं या बड़े हो गए? एक बेटी थी तो बेटी की शादी कर दी है भाई साहब, दो बच्चे हैं तो कॉलेज कर लिया है, एक में छोटा वाले का भी हो ही गया है तो मजदूरी कर रहा है बड़ा वाला। अच्छा अच्छा पढ़ने के बाद काम नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया भाई साहब। ठीक है ये भरिया बेटा है इसका, देखो कहाँ तक पढ़ा है? कॉलेज कर लिया भाई साहब। कॉलेज कर लिया, नाम क्या है? आकाश भारती। आकाश भारती, तो हम इसके डिटेल लेंगे आप चिंता मत करो हैं। और पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है? जी भाई साहब। कहाँ तक पढ़े? मैंने चौथी पढ़ी हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इतनी पढ़ाई तो करी उस जमाने में तो इतनी बिल्कुल नहीं होती थी। ये 1000 रुपया रेगुलर मिल रहे? हाँ भाई साहब मिल रहे। इनका क्या करते हैं उपयोग? सब्जी भाजी राशन वगैरह ये इसमें खर्च करते हैं। तो राशन तो अलग से भी राशन की दुकान से नहीं मिलता? हाँ मिलता है तो उससे लेकिन काम नहीं चलता पूरा। अब परिवार के हिसाब से थोड़ा बहुत जब कभी कम पड़ जाता तो लाना पड़ता है। सब्जी भाजी का उपयोग हो पाता है कि नहीं? हो जाता भाई साहब। और ये जो दो बहनें बगल में बैठी है ये भी अपने भारिया बहन ही हैं? हाँ भाई साहब। इन बहन तुमको भी मिल रहा है हर भत्ता 1000 रुपया महीना मिल रहा है? ठीक है मेरी सब, मैं जब पाताल कोर्ट गया था तब आप वहां काफी विस्तार से चर्चा हुई थी भारिया बहनों भाइयों से, ऊपर भी जब आए थे हम तब कई बहन भाइयों के साथ हमने भोजन किया था और तब से ही मन में यह था कि भारिया बहनों के लिए भी, क्योंकि अब सहरिया बेगा भारिया बहुत पिछड़ी हमारी अनुसूचित जनजाति की जातियां हैं उनके लिए योजना बनानी चाहिए, तब ये योजना बनी। योजना अच्छी है ना? ये ठीक है, आपको लगातार ये पैसा मिलता रहेगा। बीच में मैं नहीं था तब जरूर नहीं मिला, लेकिन अब ये पैसा लगातार आपके खाते में जाता रहेगा। ठीक है, सब बहनें खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। जिलों से संवाद के बाद से कुछ सबको सामान्य रूप से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी इस विभाग की यशस्वी मंत्री जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की सेवा में दिन और रात लगी हुई है बहन मीना सिंह जी,
पीएस हमारे विभाग की पल्लवी जी, हमारे बाकी सभी अधिकारी साथीगण और अलग अलग 14 जिलों में मुझे सुन रही मेरी सभी बहनें, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, मैं बैगा चख भी गया हूं, भाजा के भाजी भी खाई है और मैं पाताल कोट भी गया हूं और मैं सेसई भी गया हूं। तो सहरिया हो, बैगा हो, भारिया हो, ये जो समाज है हमारी, ये बहुत पिछड़ी और विकास की दौड़ में पीछे रह गई है। और पीछे इसलिए रह गई कि हम सीधे साधे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कुछ लोग विकास में आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे दिल में एक ही तलफ है कि विकास में जो पीछे रह गए, जो नीचे रह गए, जो सबसे गरीब है, उनका अधिकार सरकारी खजाने पर सबसे पहले है। देखो मेरी बहनों, आपके साथ हमारे कई साथी हैं, देव सिंह जी भी हैं, प्रहलाद भारती जी भी हैं, अनेकों विधायक और बाकी साथी अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। देखिए, भगवान ने ये सब चीजें, जमीन हो, जंगल हो, हवा हो, पानी हो, खदाने हो, ये सबके लिए बनाई है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के बल पर धरती के संसाधनों पर कब्जा कर लिया और कई लोग पीछे रह गए। तो मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि हक तो धरती पे इनका भी है, अब अधिकार इनको मिलना चाहिए। और मिलने के क्या तरीके? एक तरीका तो यह कि जिनके पास ज्यादा है उनसे छुड़ा लो और जिनके पास नहीं है उनमें दे दो। लेकिन वो रास्ता हिंसा का रास्ता है, वर्ग संघर्ष का रास्ता है, वो अमन चैन का रास्ता नहीं है। एक दूसरा रास्ता भी है कि जिनके पास संसाधन है उनसे पैसा लो टैक्स के रूप में, और जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं दे दो, सुविधाएं बांट दो। हम ये दूसरा काम कर रहे हैं, पैसे वालों से टैक्स लेंगे और गरीबों को सुविधाएं बांट देंगे। अब जैसे मेरी बहनें बैगा, बहारिया, सहरिया मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी इनके खाते में हर महीने पैसा डाल रहे हैं। इस साल 226 करोड़ रुपया डाल चुके हैं, 15 जिलों की 2,22,000 बहनों के खाते में, और ये पैसा लगातार डलेगा। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब जरूर ये बंद हो गया था और शायद इसलिए फिर जल्दी से मुख्यमंत्री बन गया कि ये सुविधाएं देना फिर शुरू करें। और केवल एकमात्र ये योजना नहीं है। अभी मैं अपनी बहनों से बात कर रहा था, हमको गरीब को रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये व्यथा निकल के सामने आ रही थी। एक बहन ने बताया कि पढ़ाई लिखाई काम में करवाऊ, मजदूरी करती हूं, तो पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी करना पड़ेगा बच्चों की, उनको बिना पढ़े लिखे नहीं रहने देना है। गरीब को मकान भी चाहिए, अरे बड़ा पक्का ना हो, छोटा तो पक्का बन जाए।
बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था भी चाहिए। और रोजगार के साधन भी चाहिए। और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी। अब राशन देते हैं गरीबों को, एक बहन ने बताया नहीं मिला, आज ही स्वीकृत हो जाना चाहिए उसका। ये सस्ता राशन इसलिए देते हैं कि पूरी मजदूरी के ये राशन खरीदने में नहीं चली जाए, नहीं 200 रुपया मिले और पता चला कि गेहूं में ही पूरे चले गए। इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं की योजना चलाई ताकि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन मिल जाए और 29 दिन की मजदूरी का पैसा दूसरे काम में लगाए। और दूसरी चीज मकान में, तो अब हमारा संकल्प है कि जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, धीरे धीरे उन सबके भी पक्के मकान बनाए जाएंगे। 3-4 साल में सबके बना देंगे। एक साथ में तकलीफ आएगी लेकिन 3-4 साल में बना देंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरी बहनों मेरी आवाज सुन लेना सब ठीक से, इनके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने। मामा काय के लिए है भाई, स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होगी, किताबें हम दे रहे हैं, स्कूल की गर्लफ्रेंड महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म देंगे, कपड़े। और एक बात और बता रहा हूं, अपने आदिवासी बेटा बेटियों के लिए आकांक्षा योजना है, उस योजना में उनको ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए कोचिंग, और उनका एडमिशन हो जाएगा तो वो फीस भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे, अपन नहीं पढ़ लिख पाए लेकिन बच्चे जरूर पढ़ें, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई की कई योजनाएं हैं और उन सब योजनाओं का लाभ हमको उठाना चाहिए। मैंने बताया फीस भरवाने की जरूरत नहीं है, बेटियों को साइकिल भी देते हैं, दूसरे गांव जाती हैं तो जेई नीट वगैरह की परीक्षा में अगर सफल हो जाते हैं तो अलग राशि उनके खाते में डालते हैं। वो राशि इसलिए कि बच्चे ढंग से तैयारी कर सकें। तो सुविधा हम सब दे रहे हैं लेकिन ये सुविधा लेने की जरूरत है, इसके लिए जानकारी भी चाहिए। अब अगर हमारे बच्चे कुछ प्रमुख परीक्षाओं को पास करते हैं और उनमें चयन होता है तो 50,000 रुपया हम अलग से देते हैं, अलग अलग है, जेई नीट क्लैट एनडीए एनएन एनआईआईटी 50,000 रुपया वो परीक्षा पास करते हैं। इसलिए पढ़ाई हमको करवाना है और उसके साथ साथ इलाज के लिए भी व्यवस्था की है। अभी आयुष्मान कार्ड 2 करोड़ बनवाए। अब मैं सब बहनों से नहीं पूछ पाया, एक बहन से पूछा था, आया ये देख लें, ये इस वर्ग में बिना आयुष्मान कार्ड के कोई परिवार ना रहे। हर एक के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड का मतलब है इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई है, आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा राज्य सरकार देती है, आधा हम देंगे आधा केंद्र से आएगा। तो यह अगर व्यवस्था हो जाए कि राशन सस्ता मिल गया, अच्छा मकान भी बनाएंगे तो मकान में शौचालय, मकान में रसोई की जगह रसोई गैस। और अब मेरी बहनों, गांव में भी कई बीमारी गंदा पानी पीने के कारण होती है, तो आने वाले 3 साल से लेकर 4 साल के बीच तुम्हारे गांव में पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के,
टोटी वाला नल, नल से जल की व्यवस्था करेंगे, हैंड पंप से पीछा छुड़वाएंगे, धीरे धीरे सबके यहां लग जाएंगे, सब गांव में पहुंच जाएंगे। मेरे भोले वाले अपने सब साथियों से मैं कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं, मेहनत मजदूरी के साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जरूर भाग लें, ये एक बड़ी ताकत बन रही है। और अब तो हर जिले में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ काम और करने की जरूरत है, और वो स्व सहायता समूह के माध्यम से करते हैं। हर महीने 150 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह के खाते में मैं डालता हूं ताकि आमदनी बढ़ सके। रुपया चाहिए भैया भूखे भजन ना होए गोपाला, तो उसके लिए बाकी चीजों से भी जुड़ना चाहिए। मैं अभी बता रहा था कि बैगा चक में जाके मैंने भाजी खाई, बैगा चक में रात रुका मैं, कितनी स्वच्छता उन घरों में होती, कच्चे लेकिन सुंदर घर। और बैगा भाई बहनों की संवेदनशीलता भी अद्भुत है, वो धरती में हल नहीं चलाते कि धरती मां के छाती पे घाव हो जाएगा। भाइया बहनों के घर देखो, इतने कच्चे लेकिन इतने साफ और सुथरे, ऐसी सफाई मैंने दूसरी जगह नहीं देखी। और शहरिया जाति तो शेर के साथ रहने वाली बहादुर जनजाति कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि उनके पितृपुरुष से यह माना जाता है। मेरे भोले वाली सीधी सादी सरल मेरी बहनों, आगे बढ़ना है, और इसलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी हमने लघु वनोपज, अब मैं गया था छिंदवाड़ा में भाई पातालकोट, भा मुझे बताया कि जो अचार की चिरौंजी है, वो अचार की चिरौंजी बहुत सस्ती बिकती है, वहां जाते हैं तो पौने पौने दाम में ले लेते हैं, तोड़ के हम लाते हैं। तब मैंने तय किया कि अचार की चिरौंजी का भी मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे, और मुझे लगता है उस समय हमने 100 रुपया किलो तय करी, तो जो 5-7 रुपया किलो बिक जाती थी अब 100 रुपया मिलने लगे, क्योंकि मेरी बहनें अचार भी तोड़ती हैं। तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है कई जगह, तेंदुपत्ते में तुड़वाई की जो मजदूरी है वो बढ़ाई, बोनस की अलग व्यवस्था की, और महुआ, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, साल का बीज, निवाली, अलग अलग चीजें, उन लघु वनोपज के भी समर्थन मूल्य तय कर दिए। मीना सिंह जी बैठी है, इनके जिले में ही हमने तय किया था, पौने पौने दाम पे हमारी चीजें ना बिक जाए इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं, ताकि ठीक दाम आपको मिल सके, और ज्यादा पैसे घर में आएंगे तो खुशी आएगी, समृद्धि आएगी। एक बात और तय की हमने कि कई बार जरूरत पड़ती पैसे की, अब तो कोशिश ये होगी कि जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि इतनी सुविधाएं हैं कि अपनी मेहनत मजदूरी में काम चल जाए, राशन सस्ता, मकान बन जाए, पढ़ाई बच्चों की फ्री में हो जाए, पीने का शुद्ध पानी घर पहुंच जाए, इलाज की व्यवस्था हो जाए। अब तो मैंने वो योजना बंद हो गई थी, संबल भी चालू कर दी। संबल में बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 खाते में डालते हैं, 2 बच्चों तक तो वो पैसा भी मिल जाता है। संबल में अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मौत पर 2 लाख, और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया। ये सब चीजें बंद हो गई थी, ये भी चालू कर दी। अब कोरोना खत्म हो जाएगा तो बेटियों की शादी भी मामा करवाएगा, तो बाकी फालतू खर्चा ना हो,
ये सब चीजें सरकार की सहायता से मिल जाए और अपनी मजदूरी का पैसा बचे तो लोगों की भलाई में, बच्चों की भलाई में, दूर पढ़ाई में, दूसरे चीजों में काम आ जाए। एक बात और तय करिए, हम अगर कोई बिना लाइसेंस के बिना लाइसेंस के पठानी ब्याज पे, कई बार जरूरत पड़ गई तो उधार पैसा ले ले। अब उधार पैसा ले लिए तो पता चला कि जिससे उधार लिए उसने ब्याज इतना लगा दिया कि चुका चुका के मर गए। अब कहां से दे इतना पैसा, कई जगह जमीन सामान वो गिरवी रख लिया। मैं आपको बता रहा हूं, एक कानून बना दिया जो जनजाति भाई बहने, आदिवासी भाई बहन, नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस के मनमाने ब्याज पे अगर किसी ने कर्जा दिया है तो वो कर्जा अब सब माफ किया जाता है, वो कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है। और सामान भी अगर कोई गिरवी रखा हो तो वो भी वापस देना पड़ेगा। गरीब की जिंदगी में कैसे खुशियां आए, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। जिन आदिवासी भाई बहनों के पास पट्टे नहीं थे, मीना सिंह जी लगातार कोशिश कर रही, अभी 26,000 पट्टे अभी अभी दे चुके हैं, 27,000 हो गए। और भी बच्चे हो तो छोड़ना नहीं, देते रहना है अपन को, 2006 तक के जिनके कब्जे हैं। हम गरीब हैं लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं अद्भुत है। और ये जनजाति गौरव दिवस भी भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पे, 15 जयंती पे हमने मनाना शुरू किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हर संभव आपको सहयोग करेंगे ताकि गरीबी से मुक्ति मिले, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, कई योजनाओं का लाभ मिले और अपनी जिंदगी खुशी से, आनंद से गुजार सके। अब मेरी बहुत इच्छा है एक बार फिर पातालकोट आने की, बैगाचक भी आऊंगा और श्योपुर तो अभी गया ही था, सहरिया भाई बहनों के बीच में। इतना भरोसा रखना कि आपकी सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब बहन भाई खुश रहे। एक ही अपील कि अभी जो पैसा आहार के लिए मिलता है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग करें, बच्चों को खिलाएं पिलाएं, आप भी खाएं पिए ताकि आप तंदुरुस्त बने, आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो, आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है। छिंदवाड़ा जिले की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन जी भी आप बैठी है, वो मास्क के कारण कई बार पहचानने में दिक्कत हो जाती, कौन कौन बैठे। इंद्रावती नाम है। हाँ, तो मैं सभी बहनों को एक बार फिर शुभकामना देता हूँ, सदैव आपके साथ मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार आपकी सेवा का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपसे एक